नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अस्त पे और मैं हूं किशन चंद। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आते हैं स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों से जुड़ी हुई जानकारी को, तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों ये जो पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है भारतीय नौसेना को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर में 29 तटीय देशों के करीबन 41 से अधिक नौसैनिक अधिकारी 12 जून से क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा के मामलों में चर्चा शुरू कर दी है। दो दिन तक चलने वाले इस प्रोग्राम यानी कि इस सम्मेलन में भारतीय नौसेना के डिप्टी चीफ वाइस एडमिरल MS पवार भी होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इस मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो है हिंद महासागर के तटीय देशों के बीच बेहतर समुद्री सहयोग और सूचना के आदान प्रदान को बेहतर बनाने के लिए होगा। दोस्तों आपको बता दें कि नौसेना के डिप्टी चीफ ने क्षेत्र के साझेदार देशों के बीच नजदीकी सहयोग और तालमेल पर जोर दिया है। उन्होंने सभी देशों के नौसैनिक अधिकारियों से कहा कि मैरिटाइम इन्फॉर्मेशन शेयरिंग वर्कशॉप में सक्रिय भागीदारी करें। दोस्तों यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो रहा है भारतीय सेना को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले साउथ कश्मीर के अनंतनाग जिले में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने बुधवार को यहाँ के भीड़ भाड़ वाली सड़क पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF के एक पेट्रोल पार्टी को निशाना बनाया। हमले में 3 जवान शहीद हो गए हैं और 5 घायल हो चुके हैं, जिनमें से एक जम्मू और कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर भी शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि कम से कम 2 आतंकियों ने KP रोड पर CRPF के काफिले पर ऑटोमेटिक राइफल से अंधाधुंध गोलियां बरसाई। साथ ही सुरक्षा बलों के मुठभेड़ में एक आतंकी मारा भी गया है। दोस्तों आपको बता दें कि इंटरनेट की सेवा इस वक्त वहां पे बंद कर दी गई है ताकि वहां पे किसी भी तरीके का कोई वायलेंस ना फैल सके। और इसके अलावा अल उमर मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है गृह मंत्रालय की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के सूत्रों से खबर आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई कार्रवाई से ISI ने जम्मू कश्मीर में अपना नया अलगाववादी ग्रुप बनाया है। पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ आतंकवादियों की मदद से चोरी छिपे इस ग्रुप को बनाया है। सूत्रों के मुताबिक नए ग्रुप का प्रेसिडेंट इरशाद अहमद मलिक को बनाया गया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो लश्कर का आतंकी रह चुका है। इस नए ग्रुप में लश्कर के आतंकियों को शामिल किया गया है। इस ग्रुप को कश्मीर के साथ साथ जम्मू में सेना और सुरक्षा बलों के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की इसको जिम्मेदारी दी गई है। गृह मंत्री का पद संभालने के बाद अमित शाह एक्शन में है और जम्मू कश्मीर पर उनका खासा फोकस है। दोस्तों इस साल सेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चला रखा है। इस साल 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया गया है। इसमें अधिकतर लश्कर ए तैयबा के आतंकी है और उनमें से कुछ आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से भी हैं। बीते दिनों में सुरक्षा बलों ने जाकिर मूसा को भी मार गिराया था। जाकिर मूसा आतंकियों का पोस्टर बॉय था। दोस्तों यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है सेना के बजट को लेकर। दोस्तों आपको बता दें कि नई सरकार 5 जुलाई को संसद में बजट पेश करेगी। आम बजट पर हर किसी की उम्मीदें भी टिकी हुई है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिस पर सरकार को सोचने की जरूरत है, जिनमें से एक खासा क्षेत्र है रक्षा क्षेत्र। दरअसल वर्षों से बजट में सेना की बड़ी डिमांड रही है। रक्षा बजट बढ़ाने की मांग चल रही है। रक्षा बजट को अगर GDP के अनुपात में देखें तो फिलहाल अब तक का सबसे कम महज 1.4% है। रक्षा बजट को GDP की तुलना में 2% से ज्यादा करने की मांग उठ रही है। अरसे से रक्षा अनुसंधान और उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देने की मांग भी उठती है, लेकिन बजट में कमी की वजह से इस पर पूरा फोकस नहीं हो पा रहा है। रक्षा बजट कम होने से सेना के आधुनिकीकरण और जरूरी साजो सामान की खरीद पर असर पड़ता है। इस कमी को पूरा करने के लिए जुलाई में पेश होने वाले बजट में रक्षा में खर्च बढ़ाने की जरूरत है। सेना के तीनों अंगों में प्रशासनिक और पेशेवर सुधारों के साथ साथ सरकार के सामने ठोस और संतुलन राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को तैयार करने की चुनौती भी है। दोस्तों अगर बात करें भारत के रक्षा बजट की तो साल 2017 में 2.74 लाख करोड़ रुपए था। उसके बाद 2018 में से बढ़ाकर 2.98 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया और 2018 में भारत का सैन्य खर्च करीबन 66.5 अरब डॉलर रहा, जबकि फरवरी 2019 में भारत सरकार की ओर से रक्षा बजट में 6.87% की बढ़त करते हुए 3.18 लाख करोड़ रुपए तय किया गया था। रक्षा बजट को अगर GDP के अनुपात में देखा जाए तो ये सबसे कम है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि महज 1.4% है, जबकि सुरक्षा के मामलों में ये कम से कम 3% होना चाहिए। दोस्तों भारत के सामने कई बड़े खतरे हैं। 2 परमाणु ताकत वाले हमारे पड़ोसी दुश्मन हैं, लेकिन हमारे सैनिकों के पास जो साजो सामान है उसे हाईटेक करने की जरूरत है। भारतीय सेना को अगले कुछ वर्षों में 2,255 MM तोपों की जरूरत है। फिलहाल भारत के पास ज्यादातर हेलीकॉप्टर पुराने हैं और अगले 10 वर्षों में 1,000 से 1,200 हेलीकॉप्टरों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में इस बार रक्षा बजट पर सरकार का खास फोकस हो सकता है। दोस्तों रक्षा मंत्रालय खर्च और नए उपकरणों की खरीद से जुड़ी समस्याओं से भी जूझ रहा है, जिसका असर सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमता पर पड़ रहा है। कई खरीद लंबे समय से अटकी पड़ी है। वायुसेना को लड़ाकू विमानों की सख्त जरूरत है, नौसेना को पनडुब्बियों की जरूरत है, लेकिन ये सब तभी संभव है जब रक्षा बजट की रकम को बढ़ाना चाहिए। दूसरी प्रोजेक्ट अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है चंद्रयान 2 मिशन को लेकर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चांद पर अपना रोवर उतारने की भारत के महत्वाकांक्षी और बहुप्रतीक्षित
स्पेस मिशन चंद्रयान 2 को लॉन्च किए जाने की तारीख का ऐलान तो कर दिया गया है। इसे लेकर देश का उत्साह बढ़ता जा रहा है। 10 साल में दूसरी बार चांद पर जाने वाले मिशन से जुड़ी पहली तस्वीर सामने आई है, जिसे देखने के बाद आप उत्साहित भी हो सकते हैं। जी हाँ, चंद्रयान 2 मिशन के 3 मॉडल में से एक ऑर्बिटर लैंडर और एक रोवर है, जिन्हें लॉन्च व्हीकल GSLV MK3 स्पेस में लेकर जाएगा। खास बात यह है कि इस लॉन्च व्हीकल को भारत में ही बनाया गया है। चंद्रयान 2 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाना है। भारत के लिए ये गौरव की बात है कि 10 साल में दूसरी बार हम चांद पर अपना मिशन भेज रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है IIT के वैज्ञानिकों को लेकर। दोस्तों, IIT के वैज्ञानिकों ने बारूदी सुरंगों में इस्तेमाल होने वाला नाइट्रो एरोमेटिक विस्फोटक का पता लगाने वाले एक फ्लोरोसेंट पॉलीमर सेंसर को विकसित किया है। उनका दावा है कि अगर मेटल डिटेक्टर को अगर इस पॉलीमर सेंसर की पतली शीट से लेपित किया जाता है, यानी कि उस पर को लगाया जाता है, तो वो 100 मीटर से अधिक दूरी से विस्फोटक का पता लगा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि नाइट्रो एरोमेटिक विस्फोटक इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी घातक होता है, और यही वजह है कि यह हमारे पर्यावरण को भी दूषित करता है। भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले डॉग स्क्वाड, भारतीय सेना के जो ट्रेंड कुत्ते होते हैं, वे इसको सूंघते हैं, लेकिन इससे वे बीमार पड़ जाते हैं और कई बार जहरीले विस्फोटक सूंघने की वजह से उनकी मौत भी हो जाती है। IIT रुड़की के भौतिक विभाग के प्रोफेसर सौमित्रा सतपति ने कहा है कि ये मुख्य रूप से औद्योगिक रसायन है, जो कि जले हुए मलहम, कीटनाशक और कांच और चमड़े के उद्योग के निर्माण में उपयोग किया जाता है, लेकिन DNT, TNP जैसे विस्फोटों के प्राथमिक यौगिक को भी बनाता है। और TNT, जिसका पता लगाना मुश्किल और खतरनाक होता है, यदि मेटल डिटेक्टर पर इस पॉलीमर की एक पतली शीट के साथ उसे लगा दिया जाए, तो ये उस विस्फोटक का पता लगा देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो उपकरणों का इस्तेमाल विस्फोटकों का पता लगाने के लिए किया जाता है, वे कैनाइन या फिर क्रोमेटोग्राफी पर निर्भर करते हैं, और ये सभी तरीके महंगे होते हैं और कई जगह ये आसानी से कार्य भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे द्वारा विकसित किए गए हल्के वजन के कॉम्पैक्ट प्रोटोटाइप विस्फोटक सेंसर रक्षा और सुरक्षा उद्देश्यों में मदद कर सकते हैं, और ये आसानी से इस्तेमाल हो सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने कहा कि यदि फ्लोरोसेंट पॉलीमर का इस्तेमाल DNT या TNT के पास करते हैं, तो ये जो डिवाइस है वो हरे से पीले रंग में चमक जाएगी, और साथ ही इसी के साथ जो विस्फोटक है वो कहां पर है वो भी स्पॉट हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी हम नाइट्रो एस्टर यानी कि PETN और नाइट्रो एमाइन RDX और HMX जैसे अन्य विस्फोटों का पता लगाने के लिए भी इसी प्रणाली पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, IIT रुड़की ने एक ऐसा डिवाइस विकसित किया है, एक ऐसा इक्विपमेंट विकसित किया है जो कि 100 मीटर की दूरी से विस्फोटक का पता लगा सकता है, और ये पूरा का पूरा इको फ्रेंडली है। तो दोस्तों, IIT रुड़की के वैज्ञानिकों के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, यदि आपका वीडियो संबंधित कोई प्रश्न या आपका जवाब है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इसके अलावा वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। टेक्निकल अस्त्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और हमारे वीडियोज की लेटेस्ट जानकारी पाएं।